आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न ब्रेड पिज्जा, वो भी तवा पे। और इसकी खास बात ये है कि ये कम समय में बन भी जाता है और ये पिज्जा खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। वेलकम टू टेस्टी खाना फॉर यू, और मैं हूँ सुप्रिया। स्वीट कॉर्न ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 व्हाइट ब्रेड। अगर आपको व्हाइट ब्रेड पसंद नहीं है तो इसके बदले में आप ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हो। और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑर्गेनो, थोड़ा सा काला नमक और 1 छोटी कटोरी पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप इसके ऑप्शन में टमाटो केचप भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा बटर लगेगा, थोड़ा सा चाट मसाला और 1 कटोरी मोजरीला चीज। यहाँ पे मैंने थोड़े से वेजिटेबल लिए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च लगेगी यहाँ पे, 1 छोटा सा प्याज लिया है मैंने जिसको मैंने पहले ही कट करके लिया था, और थोड़े से स्वीट कॉर्न, इसको पहले ही मैंने गर्म पानी में 5 मिनट उबाल लिया था, तो ये 90% पके है स्वीट कॉर्न। अभी हम एक बाउल में सभी वेजिटेबल डाल देंगे, स्वीट कॉर्न डाल देंगे हम बाउल में, 1 छोटा सा प्याज डाल देंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च। अब हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनो, चुटकी भर चाट मसाला, ये ऑप्शनल है बट डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और थोड़ा सा काला नमक चुटकी भर। और अभी हम इसमें चीज डालेंगे थोड़ी सी, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सभी वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी हम बाउल को साइड में रखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिए हैं, इसके ऊपर हम पिज्जा सॉस अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए पिज्जा सॉस बहुत अच्छे से ब्रेड पे लगाइए चारों कोने में। तो मैंने अच्छे से पिज्जा सॉस को ब्रेड के ऊपर अप्लाई किया है, तो अभी हम इसमें जो हमने मिक्स वेजिटेबल बनाया है वो डालेंगे और ब्रेड को अच्छे से कवर कर लेंगे पूरे वेजिटेबल से। और मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ज्यादा लिया है क्योंकि हमारी डिश ही ब्रेड स्वीट कॉर्न पिज्जा है। तो मैंने सभी वेजिटेबल को अच्छे से कवर कर लिया है ब्रेड को, तो अभी हम इसके ऊपर मोजरेला चीज डालेंगे। चीज को भी हम अच्छे से पूरे ब्रेड को कवर कर लेंगे। चीज आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर भी सकते हो। तो मैंने पूरे ब्रेड को अच्छे से चीज से कवर कर लिया है, तो अभी हम इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और नमक, चाट मसाला, आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी हमारी ब्रेड पिज्जा तैयार है तवा पे जाने के लिए। तो चलिए एक पैन गरम करते हैं। मैंने पैन को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। पैन जो है अभी अच्छे से गरम हो चुका है, तो अभी हम पूरे पैन में बटर को अच्छे से लगा देंगे। बटर को मैंने पूरे पैन में अच्छे से फैला दिया है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पूरे रेसिपी में गैस का फ्लेम लो पे ही रखना है, नहीं तो जो ब्रेड है वो नीचे से जल जाएगी। तो अभी हम इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे और चीज़ मेल्ट होने तक इसको ढक्कन रख के पकाएंगे।
चीज़ मेल्ट होने में 2-3 मिनट लगे मुझे, तो अभी हम ढक्कन को निकाल लेंगे। चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अभी हमारा ब्रेड स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा बनके तैयार है। ये पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही टेस्टी, यम्मी और क्रिस्पी और चीज़ी लगता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी के साथ आप आपका न्यू ईयर एंजॉय कीजिए, और मैं मिलूंगी आपको एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।